नमस्कार, प्रश्नकालकु स्वागत करुछु मु शांति भूषण। आज प्रश्नकाल प्रसंग रहिछि राजनीतिक रास्ता, रिजल्ट आसी सारिछि, एबे समस्त समीक्षा करुछन्ति, हार जीतर कारण खोजुछन्ति, काहेकि बीजेडीर एमिति ल्यांडस्लाइड विक्ट्री हेला, काहेकि कंग्रेस आउ बीजेपीर गड़ ध्वस्त विध्वस्त होइगला, ए एकतरफा विजय पछर कारणकु नै समस्त तर्जमा करुछन्ति। आज प्रश्नकाल आमे तर्जमा करिबा, किन्तु आम सहित आज कौनसी राजनीतिक दल लोक रहिबे नै, प्रतिनिधि रहिबे नै, आम सहित वरिष्ठ सांबादिक माने उपस्थित रहिबे, मु सेमानको परिचय करैदेबि। किन्तु ता पूर्वरु आपण टिके प्रथमे नजर पकान्तु जे जो कथा आमे कहुछे जे कांग्रेस आउ बीजेपीर ए जो गड़ ध्वस्त विध्वस्त हेला, एकतरफा बीजेडीर विजय हेला, ता पछर कारण कौन, ये एमती जारी रहिबो, बीजेडीर दबदबा जारी रहिबो, ना पुणी ये बीजेपी एवं कांग्रेस अंटा सड़के ठिया हेबे। आगकु निर्वाचन अछि पौर निर्वाचन, तापर 2024 रे निर्वाचन अछि साधारण निर्वाचन, कहा जाउछि जे ए पंचायत निर्वाचन सेमिफाइनाल थिला, फाइनाल हबो 2024 रे पौर निर्वाचन, सहरी भोटर सेमाने मध्ये भोट देबे। किंतु एसबु भितरे बीजेडी रो एकतरफा विजय, बीजेपी एवं कांग्रेस रो जो पराजय, से कहा कॉस्ट रे बीजेडी जितिला, ए सबु दिगकु नै के आलोचना करबा। जो माने आज आम सहित वरिष्ठ सांबादिक रहिबे सेमानको मु परिचय करै दउछि। आज आम सहित वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू रहउछन्ति, वरिष्ठ सांबादिक रविदास एवं अर्गस रो संपादक संजय जेना मध्ये रहउछन्ति आम सहित। समस्तकु मु स्वागत करबि आलोचना को। बड़ कथा होउछि जे जिला परिषद आसन रे 2017 रे कोन थिला चित्र एवं 2022 रे कोन चित्र हला, तार एक तुलनात्मक फिगर आपण नजर पकांतु जे 2017 रे कोन थिला, केते परसेंटेज वोट बीजेपी पाइथिला, कांग्रेस केते पाइथिला, बीजेडी कोन पाइथिला, एथर को कोन हला, 2022 रे कोन हला। यदि 2017 तुलना रे आपण देखिबे 2022 रो चित्र, ताहले वोट परसेंटेज बीजेपी रो कमिछि, वोट कमिछि, किंतु आसन को यदि आपण तुलना करिबे, चारि लक्ष देखंतु जिला परिषद 2017 स्क्रीन आपण देखंतु 2022, गोटे पटे 17 रे आपण देखंतु बीजेपी केते वोट पाइथिला, 67,61,000 वोट पाइथिला, एवं वोट परसेंटेज थिला 34.12%, एवं सेठी आसन थिला 297, ताकु तुलना करंतु आपण 2022 रे वोट कमिकी हेला संख्या 63,23,000, एवं वोट रो शेयर जो वोट हार से हेला 30%, अर्थात 4% वोट कमिला। किंतु आसन देखंतु केते कमिला, 255 आसन कमी जाइछि, 297 थिला 17 रे कमिकी हेला 42, सेमति बीजेडी देखंतु आपण, बीजेडी रो थिला 42% वोट 17 रे, एथरो बढ़िकी हेला 52%, 10% बढ़ला, एवं आसन 476 रु एकाथरे 765 हेला। कांग्रेस देखंतु 18% वोट थिला, एथरो गला 13%, 5% वोट कमिला, आसन सेमते आपण देखंतु 60 थिला 37 हेला। ये तुलनात्मक चित्र मुझे आपको देखेली। यदि अदर पार्टी कथा आपण देखिबे, अदर 17 मसीहार पाइथिले 5%, एथरो पाइछन 3%, 2% कमिछि। आलोचना को आसीबा, मु प्रथमे आपनकु देखिया पई चाहूछि जो भूस्खलन परिस्थिति, ल्यांडस्लाइड विक्ट्री देखंतु, से रिपोर्ट आमर देखंतु जे काहेकि एमती हेला, एवं जो फैक्ट्स फिगर रहिछि, जो कथा मु आपनकु कहउथिली जे जो ध्वस्त विध्वस्त होइगले बीजेपी एवं कांग्रेस, कहा कॉस्ट रे हेले, देखंतु रिपोर्ट देखंतु। पंचायत निर्वाचन रे बीजेडी रो एकतरफा विजय, मुख्य विरोधी बीजेपी और तृतीय दल कांग्रेस रो नैराश्यजनक प्रदर्शन परे राज्य राजनीति रे विरोधी अंटा सळके ठिया होई पुणी शासक बीजेडी को टक्कर देबारे केते सफल हेबे ताकु नै आरंभ होई छि वितर्क। गोटे पटे जिला परिषद निर्वाचन रे मोट 852 आसनरु बीजेडी को 766 आसन सह भूस्खलन भली विजय होई, बीजेपी को 42 और कांग्रेस को 37 आसन मिलछि। गत पंचायत निर्वाचन तुलन रे बीजेपी आसन 297 आसनरु 255 कमी जिबा राजनीतिक पर्यवेक्षक मानंकु आश्चर्य करबा सह दलर भविष्यत नै विभिन्न आकलन पई खोराक जोगाइछि। सीट सह वोट प्रतिशतर तुलनात्मक चित्र एक भिन्न निर्वाचन गणति को इंगित करुछि। गत पंचायत निर्वाचन रे बीजेपी 34% वोट रे 297 आसन जितला, चलित निर्वाचन रे वोट प्रतिशत 4% कमिला, किंतु सीट 85% कमिला। 2019 विधानसभा निर्वाचन रे मध्य बीजेपी को 32% वोट मिलिथिला, 19 विधानसभा तुलना रे 22 पंचायत निर्वाचन रे बीजेपी को वोट प्रतिशत 2% कमिछि। 17 जिला परिषद रे बीजेपी को 67,61,000 वोट मिलिथिला, 22 रे 63,23,000 वोट मिलिछि। वोट प्रतिशत रे बड़ अंतर आसिनथिले मध्य सीट कमिबा बहुगुणित हेबा पछरे बीजेडी रो वोट प्रतिशत रो द्रुत वृद्धि कारण छड़ा राज्य रे तृतीय दल कांग्रेस, अन्यन्य छोट छोट राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रार्थी मानकर वोट प्रतिशत रे द्रुत अवक्षेप जोगु शासक दल खाता को जीवा मुख्य कारण होछि।
कांग्रेस समेत अण बीजेपी बीजेडी राजनीतिक दल और पूर्व वर्ष तुलना रे निर्दलियों भोट आनुन्य 6% बीजेडी खाता को जिबा बीजेपी को भोट तुलन रे सीट संख्या रे बड़ मात्रा रे पछक जिबार कारण होइछि। 2019 विधानसभा रे बीजेपी रो 32% भोट तुलन रे बीजेडी को 44% भोट मिलथिला, जेउथिरे स्थानीय प्रसंग बड़ मुद्दा हेबा कारणरु बीजेडी को लाभदायक स्थिति रे रखिथिला। मात्र से 19 रो फल बीजेपी को 23 विधानसभा सीट रे सीमित करथिला। मात्र 19 लोकसभा निर्वाचन रे विधानसभा रो 32 बदल रे दल को 38% रु अधिक भोट मिलथिला। दल 8टी आसन को अख्तियार करिवारे सफल होइथिला। पूर्व तथ्य को देखिले कांग्रेस शेष थर सरकार करथिला और जानकी पटनायक सरकार 39% भोट सह 80टी विधानसभा अख्तियार करिवारे सफल होइथिला। 95 मसीहार कांग्रेस 39% भोट और 2009 विधानसभा निर्वाचन रे 29% को खसी आसीथिला। 2014 रे 26% और 2019 रे 16% को खसीथिला। 2017 पंचायत निर्वाचन रे कांग्रेस रो भोट हार 18 थिबाबेले चलित निर्वाचन रे 13% को खसी आसी। चलित पंचायत निर्वाचन रे उभय कांग्रेस और बीजेपी सीट हिसाब रे धराशायी अवस्था को आसीथिबाबेले बीजेडी निजर पूर्व जनाधार स्थिर रखिबा को सफल होइथिबा दलीय तुंग नेतृत्व युक्ति उपस्थापन करिछंती। आज दिन में बीजेडी राज्य राजनीति में अपराजय दाबी करिबा स्वाभाविक, मात्र आगामी दिन में जदि बीजेडी विरोध में सरकारी विरोधी हावा दाना बांधे ताले निजर सीट नहले भी भोट हार धरी रखिबारे सफल होइथिबा बीजेपी यार सबुठ अधिक लाभ नहीं पारे। मात्र पंचायत निर्वाचन अनुभव को आगामी पौर निर्वाचन में केमिति व्यवहार करिबो ओ की फल करिबो या ऊपर सारा राज्य नजर। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। अक्षय बाबू आपण देखुले रिपोर्ट, मोर आपण प्रथम प्रश्न रहिबो जो 10% भोट बढ़ला 17 तुलना रे 22 बीजेडी रो एकतरफा विजय हैला, ये जो कॉस्ट कहा किए मूल्य देला माने भोट परसेंटेज बढ़िया पछर जो सब कारण गुड़िक रही क्या कॉस्ट रे बीजेडी एत भोट परसेंटेज पाइला बोली कहा जाइपरिबो। देखते ये जो भोट आपन देखिले कि फलाफल आसला ए फलाफल नहीं कि जो मैंने टिके नजर रखी विभिन्न निर्वाचन फलाफल उपरे से माने आदो माने आश्चर्य नुहंती कि चकित नुहंती कि विस्मित नुहंती। 2017 आपन देखिबे जेतेबेले आपन निर्वाचन हला से समय आपणकर विजु भारतीय जनता पार्टी 34% पाखापाखी भोट पाइथिला एवं सीट संख्या 297 पहुँचीला। जितेबाला 2019 निर्वाचन को ओडिशा गला आपण विधानसभा निर्वाचन को सेतबाला देखागला 473 आसन पाई भारतीय विजु जनता दल से 649 सीट रे पहुंची जाइला और 297 आसन पाई आपण भारतीय जनता पार्टी तार आसन संख्या 133 जिला परिषद आसन रे लीड नहीं था। सेठी आप देखिए सीधा सड़क 164 सीट लॉस होगलानी भारतीय जनता पार्टी एवं सीट अपर पक्ष 60 आसन जे पाई आपणकर कांग्रेस तार सीट संख्या खसिकी 52 खसीला। जदि तुलनात्मक चित्र आंकबे ताले बीजेपी व्यक्ति से बेस क्षतिग्रस्त हो सारा। 2019 मार्च एप्रिल आम धरतु 2000 मे से पाइले आम से फलाफलटा पाइले से जान सारे जे बीजेपी यही परिमाण क्षतिग्रस्त होजे कांग्रेस यही परिमाण क्षतिग्रस्त हो जो दुई दल से भितर देखिए जो प्रचेषा करवा कथा कहुपे कोविड नहीं कि जेत कोविड थिला से नहीं उद्यम आरंभ हो पारे कि 2019 मे रु आप 2020 मार्च एप्रिल पर्यंत जो समय आपणकर कोविड कटकणा आसला ता भितर कौन से एक बड़ सभा समिति किंबा आपणकर जो माने बीजेपी रो तुंग नेतृत्व बृंद अच्छा किंबा आपणकर कांग्रेस रो तुंग नेतृत्व बृंद अच्छा से भितर आप कौन से समय गोटे समन्वय देखिपारे ना देखिना किंबा रणनीति सेतिकी परिमाणर करा जाय नाही। बीजेपी कथा को जदि आपण आसिबे बीजेपी रो आपणकर अनेक दृष्टांत अछि बीजेपी रो जो नेतृत्व देखिबा कथा जे 2000 व्हाट देयर पीक इन ओडिशा सबटु जदि आपण ए पर्यंत बीजेपी रो इतिहास को देखिबे तांकर निर्वाचन इतिहास 2000 मसिया तांकर सबटु पीक रे थिला जो समय रे सेमाने 64 आसन जितिले मो माने अन्य आडु को जिबेनी 64 आसन रा जितिले लढिले 38 आसन जितुतिले तापर आसिकर देखंत 147 आसन जितुचंती लड़ुचंती जितुचंती 23 टी आसन जितुचंती तो सेठरो ता भीतर जदि आपण फिगर नेबे जोटाक समय सापेक्ष हम क्रमान्वय भाव में आपण देखिबे सेमानकर जो जितिबार हार जितिबार जीत
कमी कमी का आसी बीजेपी नेतृबृंद केवे तार रियलिस्टिक आसेसमेंट करना सो इज द केस विथ कांग्रेस से क्रमान्वे बीजेपी भली स्थित कमी कमी का आसी से भी रियलिस्टिक आसेसमेंट करना जदिबा कर तार मैंने मोर प्रश्न था आपको छोट दल भोट परसेंटेज अन्न दल छोट दल अच्छा ना कांग्रेस ना बीजेपी कहार भोट हार को अधिक बीजेडी खाता गला जो सतर तुलन में 10% भोट अत निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी देखो भारतीय जनता पार्टी एथर 30 पाई गत थर 34% भोट पाई तो निश्चित भाव में 4% निश्चित भाव में जाए कांग्रेस देखिए कांग्रेस भोट परसेंट जहाँ हूँ 13.6% कमी 5% कमी तो 5-4-9 तेणुक आप सीधा सड़क से अन्न दल स्थित बर्तमान नेग्लीजिबल नगण्य जो जमी अतीत लेफ्ट पार्टी थे गोटे 2-3% भोट रोला अन्न दल 5% भोट पाई 17 मसीह जिला परिषद मैं इंडिविजुअली कहूँ सब आप मिसेकर कौन आपर जब हाएस्ट देखिए सीपीआई हो कि सीपीएम होकर 1.something 2.something एमती रोच सब जाक हिसाब जब आप 4% होची आपर बीजेपी 5% कांग्रेस आपड़ कहते 1% अन्न या ठीक अच्छे ठीक आम सहित अर्गस संपादक श्री संजय जेना अच्छा श्री जेना आपको जानापी चाहिए ये जो विरोधी अंटा भांगिगला कहुची ध्वस्त विध्वस्त शिविर हो जाए जो दंभ थिला से दंभ आउना ये पुणि दंभ फेर संभव ना ना राजनीति में कह जाए सब संभव कई अपराजय नुहति किंतु ये क्रमगत भाव में जेहेतु बीजेडी भोट परसेंटेज बढ़ी बढ़ी चली प्रति निर्वाचन में तेणु ये संभव हम ये प्रश्न समस्त मन में आसूँ जो समीक्षक हिसाब से आप कौन आकलन कर देखु जो निर्वाचन फल आसी ये पंचायत निर्वाचन जदि को पॉलिटिकल पार्टी को 50% रु अधिका भोट जाए ये निर्वाचन रे बीजेडी खाता को 52% रु अधिक भोट जाई से दल को केही हरई पारिबेनी जो संख्या रे सेटा रिफ्लेक्ट हबो एटा तो सत किंतु विषय हैला जे भोट रो 50% भोट पाइबा आउ ये आगामी दिन रे आरो कौन प्रभाव रहइबो निश्चित भाव रे राजनीति रे किछि स्थिर न थाए परिवर्तन हुए अक्षय बाबू गोटे विषय कहुथिले ओडिसा राजनीति रे बीजेडी सबुबेले बढ़ी बढ़ी जाइछि अन्य दल माने सबुबेले कमी कमी जाइछि किंतु ओडिसार भोटर मानकर मैच्योरिटी को बोधहुए अक्षय बाबू जो समीक्षा करिले मु दि लाइन से धीरे ऐड करबा पई चाहूछि अक्षय बाबू 19 मसीहार विधानसभा विषय कहले विधानसभा 34% बीजेडी बीजेपी रो भोट 32% हैला आ 2% बीजेडी रो बढ़िला किंतु से 19 मसीहार लोकसभा निर्वाचन रे बीजेडी रो भोट तो कमिला किंतु बीजेपी रो भोट से 38% हला विधानसभा रे 32 आ लोकसभा रे 38 ता माने ओडिसा रो भोटर रो निर्णय प्रक्रिया मु को इलेक्शन रे कहा को भोट देबी काही के भोट देबी बोधे ओडिसा भोटर रो जो मैच्योरिटी परिपक्वता कोठी ना कोठी प्रतिफलित होची जो मात्रा रे नवीन पटनायक को मुख्यमंत्री हबा पाए इच्छा प्रकाश कले सेठी ओडिसा रो भोटर मोदी को भोट दबा पाए इच्छा प्रकाश कले ये को इलेक्शन रे केमिति भोट दउची ता उपरे डिपेंड करुची किंतु गोटे कथा जे बीजेडी टंका खर्च कला बाहुबल लगेला प्रशासनिक कल लगेला एया को विषय करी विरोधी दल माने मुह लुचे पारे ना बीजेडी सरकार रे अच्छी सरकार रे थिला बेले टंका बल बाहुबल ये अभिजोग आसीबो गणतंत्र रे सबुठु बड़ बल हैला लोक बल विरोधी दल को लोक बल को एकाठी करबा पई पड़िबो किंतु जो फिगर एबे देखा जाउची बीजेपी रो भोट 4% कमुची सीट 85% कमी जाउची ये गणतंत्र रे पॉसिबल टिके अधिका भोट पाई कि सीट कम हबा भी पॉसिबल किंतु ओडिसा रे पंचायत निर्वाचन रे जदि गोटे दल अच्छी 30% रु अधिका भोट पाउची आउ गोटे दल अच्छी 13% भोट पाउची ता माने ओडिसा रो भोटर माने सीट रे कौन रिफ्लेक्ट हेची सेटा तो भिन्न कथा किंतु
अदर ओपिनियन को बीजेडी विरोधी स्पेस रे ओडिशा लोक माने अछंती ये निर्वाचन मध्य ए विषय को प्रमाणित करूची। तेणु जदि बीजेडी रो लोकप्रियता बढ़िबो 50-52% हेछि 54% वोट हबो तांको सीट के कमेबो। जदि बीजेडी नारे केबे आंटी इनकमबेंसी तयारी करबा पई बीजेपी बा कांग्रेस सफल होंती से माने तार फायदा नहीं पारिबे ये असंभव नुहे। 30% वोट जो दल पाखरे थाए पूर्व इलेक्शन रे 38% रो बैकग्राउंड थाए आ जो राज्यर भोटर माने विधानसभा रे लोकसभा रे अलगा अलगा वोट दबार मैच्योरिटी थाए मते असंभव लागुनी विरोधी दल अंटा भिड़ी ठिया हे पारिबनी। केमिति को प्रसंग को केमिति आधार करिकी लोकों को केमिति एकाठी करूची ता उपरे निर्भर करिवो असंभव ये बोधे गणतंत्रर डिक्शनरी रे ए शब्दर व्यवहार ही नाही। ताले ये सब संभव आम आसीबा आपन पाको आउथरे आसीबी सुद रविदास आपन प जाने पय चाहुचो अतीत रे एमति हेछि जे 90-95 दशक रे जेतेबेले गोटिए दल बिजु आम कथा जदि आम कहिबा ताले जेतेबेले से पंचायत निर्वाचन सेतेबेले जेतेबेले हेथिला जे तांको दल जे परफॉर्मेंस करथिला पुणी परबट परिवर्तन हला विधानसभा निर्वाचन रे एमति अतीत रे हेछि जहां एबे तथ्य कहुचि जे विरोधी अंटा छळकी पारिबे ना पारिबे नाही पराजयर कारण तो समस्त कहुचोनी समीक्षा करचोनी किंतु एबे जो स्थिति आसीछि विरोधी शिविर ध्वस्त विध्वस्त होइछन्दि से माने केते दूर अंटा छळकी ठिया हे पारिबे ताकु नै आलोचना होजुन आपण केमे समीक्षा करचोनी। ସଞ୍ଜୟ ଯାହା କହିଲି ସେଟାକୁ ଟିକେ ପୁଣି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯାହା କହିଲେ ଯେଉଁ ଦଳ ନିର୍ବାଚନରେ 52%ରୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇଯିବ ସେଠି ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ଏଭଳି କମିଯିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କାରଣ ଗୋଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ଟୁ ମଚ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି 1990 ଜନତା ଦଳ ଏହିପରି ଭାବରେ 50% ଉପରକୁ ଭୋଟ ପାଇଲା କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର 10 ସିଟ୍ ହେଇଗଲା ଭୋଟ 30% ପାଇଲା କିନ୍ତୁ 10 ସିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଫଳ ହବା ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 42 ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା 42 ଏଇଆ ଏତେ ବାଟ ହେଇନଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ 42 ଏଇ ଫଳ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଥର ଯେପରି ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ଦଳ ଏକକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି ସେ ବି ହେଉନଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ ଏଇଟା ବି ଯେ ବିଜେପି ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ଏଇଟା ଗଡ଼ ଥିଲା ଗଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପାରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବିଜେପିଟା ଟିକେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇଛି ମାନେ ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଜେପିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେକ ଆସନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିଜେପି ସବୁଠି ନମ୍ବର 2 ଭାବରେ ଲଢ଼ିଛି ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି ଯେମିତି କହିଲେ ଭୋଟ କମିଯାଇଛି ଗଲା 2017 ତ କମିଲା ଏପରିକି 2019 ତୁଳନାରେ କମିଲା ଆଠୁ ଗୋଟେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଜେପିର ରାଜନେତୃତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ବିଜେପି ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସି ନାହିଁ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସି କମିଯାଇଛି 22 ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ କି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ସବୁଆଡ଼ୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 2017 ଯେପରି ଭାବରେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସକୁ ଏନକାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲହର ଦେଇ ଯେଉଁ ଧରଣ ନେତୃତ୍ୱର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଧରଣ ସ୍ଲୋଗାନ ଇଏ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନେକ ଲୋକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ହଠାତ୍ ଧିମେଇ ଗଲା ଏବଂ ତାର 2019 ପରେ ପୁରା ଧିମେଇ ଗଲା ତାର ପରିଣତି ଏଇଟା ହେଇଛି। ତାମାନେ 17ରେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଦଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ 19 ଏବଂ ତାପରେ 22 ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଭୋଟରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି ଏଇଟା ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେମିତି ବିଜେଡି ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସେମିତି ଭାବରେ ବିଜେପି ଯେ ଗୋଟାଏ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ
ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଛି ଏବଂ ସବୁଠି ନମ୍ବର ଟୁ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାର ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି କେଉଁଠି ବି ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କଂଗ୍ରେସ ତ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ କଂଗ୍ରେସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବି ଆଉଥରେ। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ, ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରି ଯାଉଛୁ, ଯାହା ରବିବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଲୋକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବିକଳ୍ପ ତାହେଲେ ବିଜେପିକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ, ଅଧିକାଂଶ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ନମ୍ବର ଟୁରେ ଅଛି କିନ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ 2000 ଥିଲା ବିଜେପି ପାଇଁକି ଶୂନ୍ୟ ସମୟ, ସବୁଠୁ ପିକ୍ ସମୟ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ଭୋଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମିଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ବୋଲି କମିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। 2000 ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିର ଆଲାଏନ୍ସ ଥିଲା, ତ ସେ କଥା ଆଲାଏନ୍ସକୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ 2000 ଯଦି ଆଲାଏନ୍ସ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବେ ସେ କଥା ତ ଧରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଆମେ କିଏ କେତିକି ଲଢ଼ିଲା କେତିକି ଜିତିଲା ଆମେ ତାକୁ ଆସେସ୍ କରିବା, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଶକ୍ତି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯିବା, ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପିକ୍ ଥିଲା। ଯେଉଁଟାକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ମାନେ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, 2000 ଆପଣ ଦେଖ 14ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମୟଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ସମୟରେ ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ, ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଜୁନୁନ୍, ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଆପଣ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୟୁ ଆର୍ ମିସିଂ ଅନ୍ ଦି ବ୍ୟାଟଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ବିଜେପି ତାର ଗୋଟେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିକି ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ତାର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ବିଜେପି ବି ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିଲା, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂଟା ପୁରା ସୋସିଆଲ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ତାର ଇତିହାସ ହିସାବଟା ଦେବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ରେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି, ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ବୁଝିପାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ କେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପଶିହେବ, ହୃଦୟରେ ପଶିହେବ, ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂଟା କରିଥିଲା। ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ତାର ଗଣିତ ଥିଲା ଏଇଆ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2,000,000 ଲୋକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକାରୀ ଜମାକାରୀ, ତାଙ୍କର କଜ୍ଟାକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ସ୍ୱରରେ ଉଠାଇଥିଲା। ଆପଣ ହିସାବ 2014ରୁ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2,000,000 ପରିବାର ଇଣ୍ଟୁ ଆପଣ 4 କି 5 କରନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି 1,00,000 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆବେଗିକ ଭାବରେ ସେଠି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଖଣିଜ କାମ ଗୋଟା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ବିଜେପି ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା କରିଥିଲା, ବିଜେପିର ଲିଡର୍ସ ମାନେ ଶାହା କମିଶନ ଆଗରେ ଡିପୋଜ୍ କରିଥିଲେ, ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଖଣି ଖାଦାନ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ଲୋକଙ୍କର କଜ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆବେଗିକ ଭାବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲା ବିଜେପିର ଆପଣଙ୍କ ବିଜେଡ଼ିର ଆପଣଙ୍କର ପିପୁଲ କନେକ୍ଟ। ଠିକ ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ରବିଦା କହିଲେ, ଯୋଉ କଥା ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ରବିଦାଙ୍କ କଥାରେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସହମତ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି, ଇଏ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଗତ ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭାରେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଜେପି ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁ କଥା ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ 14-19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା, ଆଉ 19 ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବିଦା ବି ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ୱିକ୍ନେସ୍ ଥିଲା, ସବୁ ୱିକ୍ନେସ୍ ପରେ ଭୋଟ୍ ମାଇନସ୍ ହେଲା ତ 4%, ଭୋଟ୍ ତ କମିଛି, ଇଏ ତ ତଥ୍ୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଇମୋସନାଲ୍ କନେକ୍ଟ ସହିତ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଥିଲା 32%, ଇଏ କମିଲା ତ 2%, ତା ମାନେ ଆମକୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏତେ ଇନାକ୍ସନ୍ ପରେ, ଲିଡରସିପ୍ ନଥିବା ପରେ, ପ୍ରଚାର ନହେବା ପରେ, ଆ ପରେ ବି ବିଜେପି ପାଖରେ 30% ଭୋଟ୍ ତ ଅଛି, ତା ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶୋଇ ରହିଲା ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ 30% ଭୋଟ୍ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିକୁ 13% ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଧିକା କମିଛି, ଆଙ୍କର କମ୍ କମିଛି, ଆରି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜନୀତିର ରାସ୍ତା ବୋଧ ହୁଏ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ପାଞ୍ଚଟା ଯଦି ସହିତ
जदि ओडिशा सरकारंकर जो प्रसंग को लोकमानंक पाखकु शक्तिर सहित निया जाए सेठी संभावना अछि लोकमाने एकाठी हबार लोकमाने बीजेडी विरुद्ध रे वोट दबार बीजेडी विरुद्ध रे वोट देबे नाही ये निर्वाचन ये संकेत बोध हुए देइनी कारण जदि दबार थांता हुए तो 30% वोट को जाई न थांता जो आपण कहउछन्ती समय सरिछ आमे प्रश्न काल को सारिबा किंतु ता पूर्व एति कथा कह जाय पारे जे ये संकेत कौन रहिब पौर निर्वाचन में कौन रहिब 24 को कौन रहिब ये जो फलाफल आसला समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित जो मानते सहित जेना वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू और रविदास समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद सारे प्रश्न काल को नमस्कार।